मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। आज दमोह पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और उनके निशाने पर प्रदेश के साथ साथ केंद्र की बीजेपी सरकार रही। प्रियंका गांधी ने कहा कि आज देश की संपत्ति बड़े उद्योगपतियों के पास है। आज स्थिति क्या है, जितने पीएसयू थे, जितनी बड़ी बड़ी जो देश की संपत्ति थी, वो अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को सौंप दिए हैं कौड़ियों के नाम पे। तो रोजगार कैसे बनेंगे उनमें से? नहीं बन सकते। अब छोटी दुकानें, छोटे उद्योग, जैसे मैंने यहाँ रास्ते में बहुत सारी देखी, तो मैं देख रही थी कि छोटी छोटी दुकानें हैं। आपने इन दुकानदारों के, इन छोटे उद्योगपतियों की कमर तोड़ रखी है। पहले आप नोटबंदी लाए, नोटबंदी से इनका नुकसान हुआ, उसके बाद कोरोना आया, कोरोना में शायद किसी हमारे ही देश में किसी को राहत नहीं मिली होगी, बाकी देशों में दुकानदारों को, छोटे बिजनेसों को खास राहत मिली थी कोरोना के समय। मनरेगा को इन्होंने कमजोर बनाया, किसानों की कमर तोड़ी, हर जगह हर तरफ से महंगाई, पेट्रोल डीजल खाद कुछ भी हो, किसानों को कोई राहत नहीं मिली, बल्कि इस तरह के कानून ला रहे थे जिससे आपके जो हक है वो और भी कम हुए। आपने, आप ही के संघर्ष से किसानों का जो बड़ा संघर्ष था उसकी भी कोई सुनवाई नहीं रही। तो रोजगार के जो माध्यम थे वो लगभग बंद हो गए। इतने सालों से भाजपा की सरकार आपके प्रदेश में, क्या आपके जीवन में तरक्की हुई है? बताइए, तरक्की हुई है? आपको रोजगार मिले हैं? महंगाई घटी है? तो आपके लिए क्या कर रही है सरकार? आपने तो पहले अपनी उम्मीद गिरा दी। आप तो कह रहे हैं कि भैया हमें न्यूनतम उम्मीद है कि हमारे संघर्ष में मदद कर लो। इतना भी नहीं हो रहा है आज आपके लिए, इतना भी नहीं हो रहा है। शुरू हुआ रैली का शोर, ग्राउंड जीरो पर न्यूज 24। जनता किसे करेगी सपोर्ट, रिपोर्टर की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नेता चले गांव की ओर, डोर टू डोर न्यूज 24। रोज दोपहर 12:30 बजे, रोज शाम 4:30 बजे।